क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके फाइनेंसेस को कैसे प्रभावित करेगा, क्या आप जानना चाहते हैं इसकी लागत कितनी होगी और ये लागत कैसे तय की जाती है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नवनीत हरोर, आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जब आप एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आप अपने समय और धन का भी निवेश करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले काफ़ी झिझकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आएगा। इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। इससे पहले कि हम हेयर ट्रांसप्लांट की लागत पर चर्चा करें, आइए उन फैक्टर्स पर चर्चा करते हैं जिन पर इस प्रोसीजर की लागत निर्भर करती है। पहला फैक्टर है आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन की डिग्री और उनका अनुभव। हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया केवल एक स्किन स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन द्वारा ही की जानी चाहिए, न कि सिर्फ टेक्नीशियंस द्वारा। ऐसे क्लिनिक जहां सर्जन की जगह टेक्नीशियन सर्जरी करते हैं, वहां लागत काफ़ी कम होती है। आपके सर्जन का अनुभव और डिग्री जितना अधिक होगा, हेयर ट्रांसप्लांट की लागत उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन विचार करने वाली मुख्य बात यह है कि केवल एक अनुभवी सर्जन ही आपको सर्वोत्तम परिणाम दे पाएंगे। केवल एक अनुभवी सर्जन ही आपके हेयर डेंसिटी को सटीक रूप से चेक कर पाए और उसको आपकी उम्र और चेहरे की संरचना के आधार पर एक प्राकृतिक दिखने वाली हेयरलाइन दे पाए। यदि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले डोनर एरिया में आपके बाल कम है तो केवल एक अनुभवी सर्जन ही उन्हें अच्छे से ट्रांसप्लांट कर पाए। मौजूदा बालों को नुकसान पहुंचाए बिना नए ग्राफ्ट लगाना भी एक बहुत मुश्किल काम है, जो आपके सर्जन ही अच्छी तरह से कर पाते। सबसे प्राकृतिक दिखने वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्राफ्ट्स को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने केवल एक अनुभवी सर्जन ही आपके हेयर डेंसिटी को सटीक रूप से चेक कर पाएगा और आपको आपकी उम्र और चेहरे की संरचना के आधार पर एक प्राकृतिक दिखने वाली हेयरलाइन देगा। यदि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले डोनर एरिया में आपके बाल कम हैं तो केवल एक अनुभवी सर्जन ही उन्हें अच्छे से ट्रांसप्लांट कर पाएगा। मौजूदा बालों को नुकसान पहुंचाए बिना नए ग्राफ्ट लगाना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, जो आपके सर्जन ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। सबसे प्राकृतिक दिखने वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्राफ्ट्स को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने और उन्हें सही एंगल पर ट्रांसप्लांट करने में भी अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है। ये एक सोची समझी बात है कि एक अनुभवी सर्जन के पास टेक्नीशियन की तुलना में बहुत अधिक वैज्ञानिक ज्ञान होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अनुभवी और प्रशिक्षित सर्जन सही डेंसिटी को मेंटेन करके डोनर एरिया का सही उपयोग करने में सक्षम होगा और आपके हेयर ट्रांसप्लांट को सफल बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर विचार करेगा। किसी भी अन्य चिकित्सा प्रक्रिया की तरह हेयर ट्रांसप्लांट में भी कई सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और केवल एक अनुभवी सर्जन ही समस्या का तुरंत निदान करके इसमें आने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन को संभालने में सक्षम होगा। यही कारण है कि सर्जन के आधार पर सर्जरी की लागत बदल भी सकती है और बढ़ भी सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर आपके हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का ओटी सेटअप है। ये बेहद ज़रूरी है कि ओटी में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाए, इसे ओपीडी सेटअप में नहीं किया जाना चाहिए। ओटी में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, अच्छी रोशनी और सबसे नई टेक्नोलॉजी वाले हेयर ट्रांसप्लांट टूल्स होना चाहिए। आपके हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का ओटी जितना अच्छा होगा, वहाँ पर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी और खर्चा उतना ही बढ़ सकता है। मैंने बहुत सारे क्लिनिक ऐसे देखे हैं जो ट्रांसप्लांट के दौरान ओटी में उचित रोशनी या आवश्यक टूल्स का उपयोग भी नहीं करते। इससे प्रक्रिया की लागत कम तो हो जाती है, लेकिन साथ ही आपके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे नहीं होते। किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत अच्छी साफ सफाई और हाइजीन का पालन किया जाना चाहिए और ये केवल एक ओटी में ही संभव है। कुछ क्लिनिक हैं जो ओपीडी में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये निश्चित रूप से ट्रांसप्लांट की लागत को कम करता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तीसरा फैक्टर है आपके हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अच्छे टूल्स और इक्विपमेंट्स का होना। हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक FUE सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। डर्मा मिरेकल क्लिनिक में हम सबसे अच्छे टूल्स और इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं, जो बेहद तेज और सटीक होते हैं। जब उनका उपयोग आपके स्कैल्प पर किया जाता है तो स्लिट्स काफ़ी साफ होते हैं
और त्वचा को न नुकसान पहुंचाता है और न ही कोई निशान छोड़ता है। इसके अलावा हर पंच का उपयोग केवल एक पेशेंट पर किया जाता है और विशेष रूप से हर नए ट्रांसप्लांट के लिए मंगवाया जाता है। लोकली बनाए गए पंचेज में बहुत अधिक सटीकता नहीं होती है और बहुत से क्लिनिक एक पंच का इस्तेमाल अलग अलग पेशेंट्स पर करते हैं। ऐसा करने से आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की लागत कम तो हो जाती है, बट ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। चौथा फैक्टर है आपके हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की टेक्निकल टीम। हर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिकल टीम की ज़रूरत होती है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसीजर है। एक व्यक्ति पूरे प्रोसीजर को अकेले कभी नहीं कर सकता। हर सर्जन की सहायता के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। हमने बहुत सारे क्लिनिक ऐसे देखे हैं जहां केवल एक या दो स्टाफ ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। एक सफल सर्जरी के लिए एक अच्छी टीम की आवश्यकता होती है और ये भी आपके हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को बढ़ाता है। कुछ क्लिनिक टेम्प्रेरी बेसिस पर अपने टेक्नीशियंस को नियुक्त करते हैं जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं होते। उन्हें सिर्फ अपना काम खत्म करने और अपने पैसे लेने की जल्दी होती है। आप शायद उन्हें कभी देख भी नहीं पाएंगे। मेरा मानना है कि अगर पूरी प्रक्रिया एक ही व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वह इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पूरी टीम प्रक्रिया को अंजाम दे रही है तो हर कदम एक नए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करने से हर स्टेप पर सभी लोग आपको पूरी अटेंशन देते हैं और आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से अच्छे तरीके से पूरा किया जाता है। पांचवा फैक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट ही है। एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपके सर्जन के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, टारगेट एरियाज में बालों को ट्रांसप्लांट करना एक बहुत ही कुशल काम है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई गलती होती है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट गलत हो सकता है। बहुत कम सर्जन है जो इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। वर्टेक्स हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। वर्टेक्स डिजाइनिंग बेहद चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। दाढ़ी का ट्रांसप्लांट भी एक कुशल काम है। चेहरे पर किसी भी तरह के दाग, धब्बे या स्कार्स को रोकने के लिए बालों को एक स्पेशल एंगल और डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। इससे आपके हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत थोड़ी बढ़ती है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिन पर हेयर ट्रांसप्लांट की लागत निर्भर करती है। भारत में ग्राफ्ट्स की कीमत 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होती है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर केसेस में दो बाल मिलकर एक ग्राफ्ट बनाते हैं। कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट जो किसी योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसकी लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। एक हेयर ट्रांसप्लांट में आर्ट और साइंस दोनों की ज़रूरत होती है। इस सर्जरी के लिए विजन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और अनुभव की आवश्यकता होती है। केवल सर्जन ही नहीं, पूरी टेक्निकल टीम भी हेयर ट्रांसप्लांट की सफलता में योगदान देती है। आपको ये सब ध्यान में रखना है। हेयर ट्रांसप्लांट की लागत के कारणों को समझना होगा और उसी के अनुसार अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करना। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की जांच करते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि यदि उस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके जीवन को भी प्रभावित करती है। इसलिए सस्ता विकल्प न चुनें। क्या आप वाकई चाहते हैं कि कोई फ्रीलांस टेक्नीशियन आपके दिल की सर्जरी करे? नहीं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी कार चलाने देंगे जिसको ड्राइविंग भी नहीं आती? नहीं ना। यही लॉजिक आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पर भी लागू होता है। यदि आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं और फिर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पाते हैं तो ऐसी सर्जरी का कोई फायदा नहीं। इसलिए कृपया अपने क्लिनिक और सर्जन का चुनाव सोच समझ कर करें। हम टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में बहुत सारे एड्स या विज्ञापन देखते हैं जो कम रेट पर हेयर ट्रांसप्लांट की पेशकश करते हैं। ऐसे क्लिनिकों से दूर रहें। ये क्लिनिक अपने सर्जनों या टेक्नीशियंस को लगातार बदलकर या सहायकों की संख्या कम करके अपनी लागत को कम करते हैं। इससे पेशेंट्स के लिए जोखिम बढ़ जाता है, परिणाम में बाधा आती है और कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सही सर्जन का चुनाव और उनकी सर्जरी के लिए सही क्लिनिक बेहद ज़रूरी है। सभी पेशेंट्स पर समान लागत लागू नहीं होती, सभी की ज़रूरत अलग अलग होती है। इसलिए अपने विकल्पों को पूरी तरह से शोध करना,
सर्जन से मिलना और अपने मन आ रहे सभी सवाल पूछना है और क्लिनिक की अच्छी तरह से जांच करना बेहद ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट की लागत बहुत अधिक होनी चाहिए, लागत वाजिब और उचित होनी चाहिए। आपके द्वारा चुना गया क्लिनिक आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहिए। इन सब से संतुष्ट होने के बाद ही आपको कीमत पूछनी चाहिए और अपना बजट चेक करना चाहिए। यदि आपका हेयर ट्रांसप्लांट आपके बजट के भीतर है तो आपको इसे अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपके बजट से बाहर है तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मजबूत करें और फिर ट्रांसप्लांट करवाएं। कृपया समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ न करें। हमने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने अपनी प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए कर लिया है क्योंकि ये सस्ता है और उन्हें इसका पछतावा है और अब उन्हें लगता है कि वे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बेहतर दिख रहे थे। इसलिए सब कुछ पता करें, अपने बजट को ध्यान में रखें और अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लें ताकि आप अपनी प्रक्रिया के बाद खुश और आत्मविश्वास से भरा महसूस करें और कभी भी पछतावा न करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस या हेयर फॉल से जुड़ी कोई भी समस्या सवाल है तो आप बिल्कुल भी इंतज़ार न करें, न ही अपना समय और पैसे बर्बाद करें। आप आज ही अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी सभी समस्याओं का पूरा समाधान प्राप्त करें।